नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन इंडिया चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे राशन कार्ड योजना 2020 के बारे में, जिसके तहत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया और राशन कार्ड वालों को 1,000 रुपये मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि आपको ये रुपया कैसे मिलेगा और कब से मिलेगा। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास ही में आरोग्य घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं राशन कार्ड योजना 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी और आपको बताते हैं कि आपके खाते में कैसे आएंगे 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये की मदद चाहिए तो राशन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाए और 5 स्टेज में समझ ले पूरी बात। तो दोस्तों आपको बता रहे तो नीतीश कुमार की सरकार यानी बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है, जहां पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रदेश के लोगों को राहत देने के भरपूर प्रयास में जुट चुकी है। जिसके बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मदद के रूप में 1,000 रुपये प्रति परिवार दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए आधार से लिंक जरूरी है, यानी आधार और यहां पर जो है राशन कार्ड जो है लिंक करवाना होगा, तभी आपको ये रुपया मिलेगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि डीबीटी ट्रांसफर की गति तेज की जाए और लाभार्थियों को कम से कम समय में मनी ट्रांसफर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन राशन कार्ड धारकों की आधार से लिंक नहीं हो पाई है, उनकी लिंक जल्द करवाकर ने 1,000 रुपये का भुगतान कर दिया जाए, यानी 1,000 रुपये का लाभ दे दिया जाए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि नीतीश कुमार का ऑफिशियल ट्वीट में यह बताया जा रहा है कि जिन राशन कार्ड धारकों को जो है यहां पर आधार से लिंक नहीं हो पाई है, उनकी लिंक जो है शीघ्र करवाकर 1,000 रुपये का निर्देश दिया जाए, जिसके लिए आपको यहां पर एक वेबसाइट यहां पर देखने को मिल रहा है लिंक भी। और दोस्तों क्या होती है आधार से लिंक, वह भी आपको बता रहे थे। तो आधार से लिंक को जो है बैंक खाता से जोड़ना आधार से लिंक कहलाता है। इससे सरकार को अपनी योजना को लागू करने में आसानी होती है और योजना से मिलने वाले सब्सिडी ग्राहक के खाते तक आसानी से पहुंचाई भी जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप आधार सीडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका है ऑनलाइन, जिसके तहत आप बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने का काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग माध्यम से आप लॉग इन कर ले और इसके बाद में अपडेट आधार कार्ड डिटेल्स या फिर आधार कार्ड सीडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें अपना आधार कार्ड नंबर अपडेट करके सबमिट कर और बैंक आपसे अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए कहेगा और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार अपडेट होने की जानकारी मैसेज कर दी जाएगी। और दोस्तों दूसरा एसएमएस के जरिए, दोस्तों आपको बता दें तो एसएमएस द्वारा भी आप आधार नंबर पर अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। और इसके लिए आपका नंबर बैंक के साथ रजिस्टर होना चाहिए और स्टेट बैंक के कस्टमर आधार नंबर और खाता संख्या लिखकर 5676776 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर नहीं हुआ है या फिर आपका आधार पहले से ही लिंक है, तो आपके बैंक की ओर से रिप्लाई में एक मैसेज आ जाएगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर है, तो अपडेट के संबंध में कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। और कई बैंकों ने अभी एसएमएस से आधार अपडेट करने की सुविधा शुरू नहीं की, इसलिए कस्टमर केयर हेल्पलाइन से भी जानकारी आप ले सकते हैं और वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरे बड़े अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर भी आप आधार से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा यहां पर अपडेट आपके लिए एटीएम। तो दोस्तों आपको बता रहे तो एसबीआई समेत कुछ बैंक एटीएम के माध्यम से भी आधार कार्ड लिंक करने की सुविधा दे रहे हैं। और इसके लिए एटीएम कार्ड में स्वीप करना, आपका पिन डालना और फिर सर्विस रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। इस मेन्यू में आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन सेलेक्ट करें या फिर जो संबंधित ऑप्शन में हो उसे चुने। और इसके बाद आप अपने अकाउंट का प्रकार चुने, यानी कि बचत चालू खाते का प्रकार चुने और अपना आधार कार्ड नंबर अपडेट कर दिए। तीसरा तरीका। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। तो दोस्तों चौथा तरीका है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला है उसके ब्रांच को विजिट कर भी आप आधार से लिंक करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की जरूरत होगी, यानी ये दस्तावेज आपको मांगे जाएंगे। और दोस्तों पांचवा तरीका भी निकल के सामने आता है, जहां पर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो ये काम भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको पहले आधार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और लॉग इन करने के बाद मेनू में जो है बेनिफिट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहां राशन कार्ड व ऑप्शन का मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद में जरूरी जानकारी भरना है और फिर आपको प्रोसेस आगे करना है। और वेरिफिकेशन के बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके अलावा ये काम आधार केंद्र या जनसुविधा केंद्र में भी आप ऑफलाइन करवा सकते हैं। तो
दोस्तों इस प्रकार से ये 5 तरीके हैं जिसके जरिए आप घर बैठे बैठे आसानी से लाभ ले सकते हैं 1000 रुपये का। और दोस्तों ये बता दें आपको, तो बिहार सरकार चला रही यानी बिहार राज्य के जो भी लोग आते हैं उनको ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, उनको ये 1000 रुपया मिलने जा रहा है। तो दोस्तों यदि आपके पास भी राशन कार्ड बना हुआ, आधार कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों आप ये 1000 रुपया ले सकते हो। और यदि आप बिहार में रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से सरकार के बड़े ऐलान के बारे में और आप सभी के लिए आ रही बड़ी खुशखबरी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने अभी आपको दे दी। तो दोस्तों इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।